हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ डायोड। बिकॉज डायोड है तो उसको सर्किट में जब अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है, और अब उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हम लोग उसको एक रेसिस्टेंस के इक्वलेंट कंसिडर कर सकते हैं, कि जिस वे में एक रेसिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी वे में डायोड के ऊपर भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अगर हम लोग डायोड को रेसिस्टेंस के इक्वल कंसिडर करें, कि जैसे एक रेसिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसी वे में डायोड पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो उस डायोड को कितने रेसिस्टेंस के इक्वलेंट कंसिडर कर सकते हैं, तो उस वे में हम लोग डायोड का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डायोड के रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ डायोड। रेसिस्टेंस ऑफ डायोड रेसिस्टेंस ऑफ डायोड। अब डायोड का जो रेसिस्टेंस है उसको दो वे में, डिफरेंट वेज में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। एक तो होता है डीसी रेसिस्टेंस या स्टैटिक रेसिस्टेंस, स्टैटिक रेसिस्टेंस, डीसी रेसिस्टेंस में बोलते हैं इसको, डीसी रेसिस्टेंस। और एक जो होता है वो होता है डायनेमिक रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं एसी रेसिस्टेंस भी बोल देते हैं इसको। सीन क्या है, जब हमारा जो जो क्या बोलते हैं इसको, हमारा जो सर्किट है उसका जो सिग्नल है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, नॉर्मल वे में चल रहा है, या एसी टाइप का नहीं है, डीसी टाइप का सपोज, तो उसका जो हम लोग सिग्नल का जो रेसिस्टेंस लेते हैं, सॉरी डायोड का जो रेसिस्टेंस होगा उसको जनरली डीसी या स्टैटिक रेसिस्टेंस कंसीडर करते हैं। और अगर जो सिग्नल है वो कंटिन्यूसली बहुत चेंज हो रहा है, मान लो एसी टाइप का सिग्नल है, तो उस टाइम पर हम लोग जो डायोड का रेसिस्टेंस कंसीडर करते हैं वो हम लोग डायनेमिक रेसिस्टेंस लेते हैं। इस चीज़ का ज़्यादा आगे कहीं पे यूज नहीं होने वाला, बस ये जस्ट थ्योरी यहाँ पे पढ़ेंगे, यहीं पे काम में आएगा, इसके बाद में ज़्यादा ये कहीं पे यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो इस थ्योरी से आ सकता है, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे कहीं पे नहीं पूछेगा। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा थ्योरी है। देखो क्या है, ये जो हम लोग रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये जनरली फॉरवर्ड बायस में बात करते हैं, फॉरवर्ड बायस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैटिक रेसिस्टेंस। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिक रेसिस्टेंस। स्टैटिक रेसिस्टेंस मीन्स डीसी रेसिस्टेंस, डीसी रेसिस्टेंस। डीसी रेसिस्टेंस में क्या होगा, डीसी रेसिस्टेंस में ऐसा है, ये कैसे, मतलब इसको मेजर कैसे करते हैं या क्या इसका है सीन, जो फॉरवर्ड बायस का कर्व होता है आई वी, ये मैं फॉरवर्ड बायस का ही बना रहा हूँ, रिवर्स बायस का इधर का नहीं बना रहा, क्योंकि हम लोग बस इसको यूज कर रहे हैं। इस फॉरवर्ड बायस का जो कर्व है इसके पर्टिकुलर मान लो वोल्टेज और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में करंट का जो वैल्यू होगा, इनका वोल्टेज और करंट का रेशियो लो, करंट और वोल्टेज का रेशियो लो, तो रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा फॉरवर्ड बायस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक रेसिस्टेंस। इसको बोल दो आर स्टैटिक या डीसी। आई बात समझ में, ये हो गया स्टैटिक, सिंपल सा है बस, कोई ज़्यादा बड़ा पंगा नहीं है, सिंपल सा, ठीक है, ये हो गया स्टैटिक। इफ़ यू टॉक अबाउट द डायनेमिक रेसिस्टेंस को समझना, सेकंड डायनेमिक रेसिस्टेंस डायनेमिक रेसिस्टेंस को क्या होता है, डायनेमिक रेसिस्टेंस में ये, यहाँ पे देखो, आपको जहाँ पे भी चांस मिले ना पोज करके कॉपी कर लिया करो, नोट से आप बनाते रहो, ठीक है। डायनेमिक रेसिस्टेंस में क्या सीन है, डायनेमिक रेसिस्टेंस में सीन ऐसा है,
करंट इस वे में है, वोल्टेज इस वे में है, और जो सिग्नल है बहुत फास्ट चेंज जब होता है तो हम लोग उसके एक पर्टिकुलर पोर्शन को कंसिडर करते हैं। सपोज जैसे ये सिग्नल है और ये बहुत फास्ट कंसिडर चेंज हो रहा है, तो मैं इतना सा ये जो पार्ट है उसको उठा लेता हूँ, और इस ये जो छोटा सा पार्ट है उस छोटे से पार्ट में करंट और वोल्टेज की वैल्यू दो पॉइंट पे ले लेते हैं हम लोग इस वे में लेके। जैसे सपोज ये है, यहाँ पे करंट का वैल्यू है सॉरी वोल्टेज का वैल्यू वी वन, और इस सिचुएशन में वोल्टेज करंट है आई वन, और मान लो कि इसके थोड़े आगे है करंट है वोल्टेज है वी टू और करंट है आई टू। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो देखना इनका इनका जो डिफरेंस है, इसका अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं, इसका स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, अगर कर्व का अगर स्लोप फाइंड आउट करूं मैं, तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप होता है, स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, ये स्लोप होता है ना, स्लोप, ठीक है। तो इसमें देखो डेल्टा वाई, वाई में ये है एक तरीके से डेल्टा वाई, ये है डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई है आई टू अपॉन आई वन, तो दिस इज आई टू अपॉन सॉरी आई टू वाई माइनस आई वन, और ये है, ये जो है वी टू माइनस वी वन, ऐसे हो गया। अगर मैं डिफरेंस ही तो है ये ऐसा ही तो आ गया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, ये स्लोप हो गया। अगर ये जो है इसको मैं इस वे में लिखूं डिफरेंशियल फॉर्म में डी आई अपॉन डी वी, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता तो हम लोग डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया ये ऐसा। ये जो है स्लोप, स्लोप का जो इनवर्स है, ये स्लोप चल रहा था, अगर मैं वन अपॉन स्लोप लूँ वन अपॉन स्लोप, तो ये क्या होगा डी वी अपॉन डी आई, और वी अपॉन आई क्या होता है रेसिस्टेंस, तो ये आ गया आपका रेसिस्टेंस। और ये कौन सा रेसिस्टेंस आया है, ये जो रेसिस्टेंस है दिस रेसिस्टेंस इज नोन एज डायनेमिक रेसिस्टेंस, डायनेमिक रेसिस्टेंस और एसी रेसिस्टेंस, दिस इज डायनेमिक रेसिस्टेंस, क्लियर है। तो आर डायनेमिक आ गया या एसी आ गया, आर एसी भी बोल दो इसको, आर डायनेमिक जो है आपका ये हो गया डी वी अपॉन डी आई, और इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे मेरे को पास समझना, एक बार मैं इसको एक बार इसको हटा रहा हूँ, एक बार वन सेकेंड देखना, इसको आप वन ले लो, इसको टू कंसिडर कर लो। स्लोप जो है सिंस अपने को पता है आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल वी अपॉन नीटा वी टी माइनस वन, ये होता है। अगर मैं यहाँ से डी आई अपॉन डी वी कैलकुलेट करके यहाँ पे स्लोप का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वी, तो डी आई अपॉन डी वी इक्वल टू आई नॉट कॉन्स्टेंट आई नॉट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट विल कम टू ई वी अपॉन ईटा वी टी, ईटा एंड वी टी इज कॉन्स्टेंट, वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो मल्टीप्लीकेशन जो होगा ये आएगा ईटा वी टी, ये आ गया। तो ये डी आई बाई डी वी जो होगा दैट विल बी आई नॉट अपॉन ईटा वी टी है, दो ईटा वी टी इंटू ई टू पावर वी ईटा वी टी, ठीक है, ये क्लियर है ना, ये मिला मुझे, क्या ये अगर मिला तो इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, स्लोप का वैल्यू आ गया एक तरीके से, ये किसका वैल्यू आ गया, ये स्लोप का, ठीक है, ये स्लोप का वैल्यू आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर इसको थ्री कर दो, थ्री एंड टू से वन अपॉन स्लोप क्या होगा, वन अपॉन स्लोप होगा आर डायनेमिक, एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दी आर डायनेमिक, आर डायनेमिक इज इक्वल टू वन अपॉन स्लोप, तो वन अपॉन स्लोप तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये आएगा आई नॉट
एक्सपोनेंशियल वी ईटा वी टी और ईटा वी टी ऐसा आएगा, ये आर डायनेमिक आ गया। इसको देखो दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये आ गया इसका, क्लियर है, इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है ये आ गया। बट इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, समझना बात को, सिंस वी नो दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल ईटा, एक सेकेंड, ये क्या होता है, ये ऐसा तो होता है ना, आई मेजोरिटी माइनस आई माइनॉरिटी, एंड आई मेजोरिटी इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल वी अपॉन ईटा वी टी, एंड दिस इज आई माइनॉरिटी इज आई नॉट। वी नो दैट मेजोरिटी करंट इज वेरी वेरी हायर देन माइनॉरिटी करंट, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइम होता है कंपेरेटिवली दिस, तो मैं इसको ऑलमोस्ट आई नॉट एक्सपोनेंशियल वी अपॉन ईटा वी टी इस वे में भी कई बार लिखा जा सकता है, अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बिकॉज ये क्यों हुआ, बिकॉज आई मेजोरिटी इज हायर देन आई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चार्ज, सॉरी माइनॉरिटी करंट, तो मैं आई नॉट ई टू पावर वी अपॉन ईटा वी टी को मैं आई हो गया ये ना, तो इसमें देखो ये जो नीचे वाला टर्म है दिस इज इक्वल टू आई अप्रोक्सीमेटली आई, तो हेंस दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज 5, तो बाई फोर एंड फाइव आर डायनेमिक इक्वल टू ये जो है ईटा वी टी अपॉन आई, ये मिलेगा, ठीक है, तो यहां से ये चीज समझ आती है कि जो आर डायनेमिक का वैल्यू है, आर डायनेमिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i, ये क्लियर, ये वैल्यू मिला आपने को, दिस इज आर डायनेमिक एंड आर डायनेमिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i, क्लियर है। एक और चीज होता है यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ पे एक और देखना, ये डायनेमिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं एक चीज को, 1/r डायनेमिक जो होता है, सॉरी 1/r डायनेमिक जो होता है इसको डायनेमिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, डायनेमिक, इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक कंडक्टेंस, डायनेमिक कंडक्टेंस, और इसको जी से, जनरली जी से लिखते हैं, जी डायनेमिक ऐसा लिख देता हूँ इसको, आर डायनेमिक, सॉरी जी डायनेमिक, और इसका वैल्यू क्या होगा, जी डायनेमिक इज इक्वल टू 1/r डायनेमिक मीन्स ये हो गया इसका आई अपॉन ईटा वी टी, इट मीन्स जी डायनेमिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पे, ऑप्शन में ऐसे आ जाता है जी डायनेमिक, क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारे, तो क्वेश्चन ऐसा आता है जी डायनेमिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई आई स्क्वायर 1/i/i² ये चार ऑप्शन आ गए, एंड जी डायनेमिक इज प्रोपोर्शनल टू, तो जी डायनेमिक इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो ऑप्शन नंबर दिस वन विल बी करेक्ट। इस वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जी डायनेमिक हो गया, आर डायनेमिक हो गया, कोई भी जो भी क्वेश्चन में आएगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये मैं आज का जो लेक्चर है उसके बाद में एक PDF अपलोड करूंगा, तो वो PDF पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसको सोल्व करवा दूंगा ना, तो वो लेक्चर देखने से पहले आपको उसको सोल्व करना खुद को, सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। ये जी डायनेमिक हो गया है ना, अभी एक चीज और बात करते हैं, ये तो रेसिस्टेंस के बारे में बात कर ली कि डायोड जो होता है, जिस डायोड पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हम लोग डायोड को एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की इक्विवेलेंट भी हम लोग समझ सकते हैं, कि जिस वे में रेसिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी वे में डायोड के ऊपर भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो हम लोग डायोड को भी एज ए रेसिस्टेंस अगर
कंसिडर करना हो तो उसका रेसिस्टेंस कितना लें हम लोग, तो उसका वैल्यू हम लोग इस दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसको आगे यूज नहीं करेंगे हम लोग, मतलब ये बस इतना थ्योरी है, यहीं पे काम में आएगा ये, आगे हम लोग इसका एप्लीकेशन काम में नहीं लेंगे, ठीक है। एक और दूसरी चीज़ देखो, जो डायोड होता है, डायोड का जो बीच का जो डिप्लेशन लेयर होता है, द जंक्शन, उसमें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसमें में रहता है ना डायोड। तो जिस वे में कैपेसिटर के एट ए कैपेसिटर नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव, कैपेसिटर भी तो इसी वे में होता है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जिस वे में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, उसमें कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ जाता है, उसी वे में डायोड के ऊपर भी कैपेसिटेंस या कैपेसिटिव इफेक्ट आ जाता है। मीन्स ये कैपेसिटर की तरह भी वर्क कर सकता है, या जो कैपेसिटिव जो प्रॉपर्टी है वो भी इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। तो कैपेसिटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रोड्यूस हो गई ये लेयरिंग की वजह से, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो कैपेसिटेंस ऑफ डायोड, इसको सी डी लिख देता हूं, डी फॉर डायोड, सी फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू, सिंस मैं इसको इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, सिंस क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, अगर मैं सी की बात करूं तो क्यू बाई वी हो गया ये, बट इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डी क्यू बाई डी वी, ये भी एक तरीका होता है इसको लिखने का, ठीक है। अब देखो सिंस आई जो होता है, आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी, टी को मैं यहाँ पे टॉ से लिखते हैं, क्यों लिखते हैं अभी समझ में आएगा। तो क्यू का जो वैल्यू है, क्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आई टाउ, तो सी जो आएगा सी इक्वल टू डी अपॉन डी वी आई इंटो टाउ, ठीक है। सी इक्वल टू, देखो वोल्टेज जो होगा चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम तो अलग चीज है, टाइम ये हो गया डी आई बाई डी वी, डी आई बाई डी वी, ये वैल्यू मिल गया अपने को। और डी आई बाई डी वी क्या होता है, डी आई बाई डी वी होता है जी कंडक्टेंस, ये डायनेमिक कंडक्टेंस पढ़ा था ना हमने, डी आई बाई डी वी, डी आई बाई डी वी, ये डी आई बाई डी वी यही तो था, स्लोप ही तो था, डी आई बाई डी वी, वेर इज डी आई बाई डी वी, ये रहा स्लोप ही था ये डी आई बाई डी वी, और स्लोप को क्या लिखा था हमने, जी लिखा था है ना, स्लोप को क्या लिखा था, ये जी लिखा था, ये जी है, ये स्लोप जो है ये स्लोप के इक्वल ही है, ठीक है। तो ये डायनेमिक, सॉरी जी इज इक्वल टू डी वी, सॉरी डी आई अपॉन डी वी, तो ये जी है आपका, क्या है, जी है ये, तो सी इज इक्वल टू टॉ जी डी, डी फॉर डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ, डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ डायोड, तो ये हो गया। और जी डी का जो वैल्यू आया था, जी डी का वैल्यू आया है आई अपॉन ईटा वी टी, यही आया ना जी डी आई अपॉन ईटा वी टी, तो ये वैल्यू आ गया आपके लिए ये कंडक्टेंस का। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि ये जो टाओ ईटा वी टी, ये तो चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती है, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये इन्फॉर्मेशन अपने को मिल गया। जो कंडक्टेंस होता है वो, सॉरी कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है करंट के प्रोपोर्शनल होता है, सीडीबी जीडीबी, और जो आर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आई बात समझ में, ये जो टाउ होता है इसको लाइफ टाइम बोलते हैं, आई थिंक ये लाइफ टाइम, इसका मैं एक एग्जैक्ट जो नाम है न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, एक बार मैं इसका बता देता हूँ, मीन लाइफ टाइम बोलते हैं इसको, जो मीन लाइफ टाइम होगा ये,
जो टॉ होगा, टॉ को बोलते हैं हम लोग मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम। ये जनरली क्वेश्चन में जो होता है वो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मीन लाइफ टाइम। ठीक है, टॉ कांस्टेंट है, ये आया। तो हमारे पास में ये तीन चार चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, एक तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस दो टाइप का हो गया, फिर उसके बाद में हमने कंडक्टेंस और फिर कैपेसिटेंस। तो मैं एक बार जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स लिख देता हूँ। रिजल्ट्स एक तो ये है कि आर डायनेमिक जो आया है, आर डायनेमिक जो आया है दैट इज 1/स्लोप, और वो जो वैल्यू आया है वो आया है ईटा वी टी अपॉन आई। इट मीन्स आर डायनेमिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i, सॉरी प्रोपोर्शनल टू 1/i। सेकेंड है जी, तो जी डायनेमिक जो है 1/r डायनेमिक है, और ये जो है वो है i अपॉन ईटा वी टी इज प्रोपोर्शनल टू वी टी इज प्रोपोर्शनल टू i, राइट। लास्ट वन कंडक्टेंस ऑफ डायोड, सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ डायोड, कैपेसिटेंस ऑफ डायोड इज इक्वल टू टाउ जी डी, इट मीन्स टाउ आई अपॉन ईटा वी टी, सो इट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये लास्ट के फाइनल आंसर मिल गया अपने को। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि ये इन तीनों में से कोई ना कोई आई किसके प्रोपोर्शन, आई के प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या 1/i के प्रोपोर्शनल है, इस वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर होगी। अब मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इसके ऊपर आज एक PDF अपलोड करूंगा, तो उसका पहले थ्योरी करें, थ्योरी क्या, ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में उसके क्वेश्चंस करें, और उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी, अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस होगी। अब जो बाकी का बचा ना, थ्योरी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, अब थोड़ी थोड़ी थ्योरी आएगी, बाकी न्यूमेरिकल चलते रहेंगे। क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट। अब डायोड के ऊपर बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत टाइप के, और डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलो हम अपना बेस्ट करेंगे, आपको कोई डाउट रहता तो पूछिएगा। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करते रहेंगे। क्लियर, ओके।